स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे चिकन। चिकन को कई तरीकों से बनाया जाता है। आज हम बनाएंगे चिकन करी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो चिकन ले लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून चिकन मसाला। 200 ग्राम दही को मिक्सी में अच्छी तरह फेंट के डालेंगे। आधा नींबू का रस, सबको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। मसालों के अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आधा घंटे के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल के अच्छी तरह से गरम हो जाने के बाद 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग डाल के भून लेंगे। 4 मीडियम साइज के प्याज चॉपर में बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भून लेंगे। प्याज के गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद 2 बड़े टमाटर की प्यूरी बनाकर डाल देंगे। भून लेंगे अच्छी तरह से जब तक तेल नजर नहीं आने लगता। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, मसाले से तेल नजर आने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे। भून लेंगे सबको। एक टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। सभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। गैस का फ्लेम स्लो करके 3-4 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। 3-4 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। चिकन को अच्छी तरह से चला देंगे ताकि वो तले में ना लगे। 1 कप गरम पानी डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। चिकन को अच्छी तरह से पक जाने तक पका लेंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे, चिकन को चलाते रहेंगे ताकि वो तले में ना लगे। लगभग 30-35 मिनट के बाद चिकन हमारा अच्छी तरह से पक गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। धनिया डाल देंगे। सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। चिकन को बाउल में सर्व करने के बाद ऊपर से धनिया के पत्ते डाल देंगे।
चिकन बनाने की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को ट्राई करें, अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें।